हेलो एवरीवन, फिर से आप अपने नई वीडियो के ऊपर स्वागत है। तो जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है और थंबनेल देख के आप समझ गए हैं कि यह वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है। अगर आप ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं तो आप यह वीडियो शुरू से लेके एंड तक अच्छे से देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि जब आप टिकट बुक करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, मतलब टिकट बुक करने से पहले आपको पता होना चाहिए CAN का मतलब क्या होता है, CNF का मतलब क्या होता है, और RAC का मतलब क्या होता है, PQWL का और RLWL का मतलब क्या होता है। मतलब टिकट बुक करने से पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा, और एक चीज़ आपने वीडियो के थंबनेल में आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं GNWL 140/WL 109, मतलब इसका मतलब क्या होता है। अगर आप ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं, अगर आप किसी के लिए कोई टिकट बुक करते हैं, अपने फैमिली के लिए या अपने लिए कोई टिकट बुक करते हैं, तो अगर आप यह वीडियो शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देख लेते हैं तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी टिकट बुक करने में। तो आपको पता भी चल जाएगा कि GNWL 140/WL 109 का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं RAC का मतलब क्या होता है और क्या क्यों दिखाता है आपके, जब टिकट बुक करते हैं तो आपको RAC क्यों दिखाता है। फ्रेंड्स, RAC की फुल फॉर्म है रजिस्ट्रेशन एजेंट कैंसिलेशन, मतलब RAC का फुल फॉर्म तो यही है, रजिस्ट्रेशन एजेंट कैंसिलेशन, यह तो इसका फुल फॉर्म है। और इसका मतलब क्या है कि कोई टिकट जब कैंसिल होती है उसके बाद जो आपको टिकट मिलती है, आपके टिकट के आगे लिखा आता है RAC और कुछ नंबर आपको दिखाई देता है कि आपके टिकट RAC के अंदर इतने नंबर के ऊपर हुई है। तो RAC का मतलब तो यही है कि कोई, जैसे अगर मैंने कोई टिकट बुक करी है और वह टिकट मैं कुछ देर के बाद कैंसिल कर देता हूँ, फिर आप बुक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। PQWL की फुल फॉर्म है पोल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, और आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है इसकी फुल फॉर्म, मैंने आपको बता दिया। आप पूरी डिटेल पूरी खुल के आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके आप इसको पूरा अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आप जानें कि PQWL का मतलब खुल के कैसे आप समझ सकते हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं RLWL मतलब रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, इसको भी आप अच्छे से समझे। मैं मतलब खुल के बताऊंगा ना तो 15-20 मिनट की वीडियो हो जाएगी, तो मैंने शॉर्टकट स्क्रीन शॉट कुछ लगा दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। छोटी सी वीडियो के अंदर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, मतलब थोड़े से समय में आप बहुत कुछ ज़्यादा सीख सकते हैं। आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर। अब बात करते हैं TQWL, इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट, और इसकी पूरी डिटेल आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। वीडियो को स्टॉप करके आप अच्छे से पढ़ें। WL का मतलब है वेटिंग लिस्ट, और CNF का मतलब है कंफर्म। अगर आपके टिकट आप PNR से आप चेक करते हैं तो आपके जो नंबर हैं वहाँ पे आपको मिलेगा CNF, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मतलब आपकी टिकट कंफर्म हो गई है। CAN का मतलब, अगर आपके टिकट के जब स्टेटस आप चेक करते हैं तो आपको मिलता है CAN का मतलब, आपको शॉर्ट फॉर्म मिलती है तो उसका मतलब है कैंसिलेशन, मतलब कैंसिल हो गई है आपकी टिकट। तो इस तरीके से आप अपनी जब टिकट बुक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से आपको पता होगा। आपके टिकट का स्टेटस आप चेक करते हैं तो इस तरीके से कुछ आपके शॉर्ट फॉर्म आपको वहाँ पे दिखाई जाती है, जिनका मतलब आप, अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है, अच्छे से हर पॉइंट को समझा है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जैसे कि वीडियो स्टार्ट हुई तब भी मैंने आपको बताया था, वीडियो के थंबनेल में भी आपने देखा था एक नंबर, जैसे कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ, GNWL 140/WL 109। कुछ इस तरीके से आप जब टिकट बुक करते हैं तो आपको भी दिखाई देते हैं, नंबर चेंज हो जाते हैं और कुछ इस तरीके से आपको दिखाया जाता है। वीडियो को स्टार्ट हुई तब भी मैंने आपको बताया था, वीडियो के थंबनेल में भी आपने देखा था, तो इसका मतलब क्या होता है। इस नंबर के ऊपर, इस तरीके के आपने अगर कोई नंबर देखे हैं तो उसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो हर एक पॉइंट के ऊपर बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि WL का मतलब क्या होता है, GNWL 140/109 वेटिंग लिस्ट मतलब टिकट कंफर्म होगी नहीं होगी, मतलब पूरा अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको पूरा मतलब हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है। आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है उस वीडियो के अंदर। तो अगर आप इस वीडियो को मतलब इस नंबर को आप जानना चाहते हैं किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, किस तरीके से हम पता कर सकते हैं हमारी टिकट कंफर्म होगी या नहीं होगी, वो मैंने उस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके DM कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके DM भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।